छोटे छोटे बच्चों के साथ मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज भी रहते थे, हेल्थ के चैलेंज थे। कुछ प्रोडक्ट यूज किए, बढ़िया रिजल्ट आए, बना और बिजनेस को आगे बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। तो बहुत सारे लेडीज, आज हमारी लेडीज की मीटिंग है, तो मैं लेडीज से यही कहना चाहूंगी कि आज की जो बातें होंगी, आप सभी अपनी अपनी पेन और डायरी खोल के इन बातों को नोट करना, क्योंकि आज मैं वो बात करूंगी जो हमारे बिजनेस को बड़ा करने के लिए इसमें जो बेसिक रूल्स हैं, जिन रूल्स को हमने फॉलो करना है, और उन्हीं रूल्स को लेके हम आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं। तो सभी जितने भी लीडर्स आज ज्वाइन हैं, अपनी अपनी पेन डायरी जरूर साथ में रखें, और जो जो मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगी उसको नोट करें। नोट क्यों करना है? क्योंकि उससे एक तो हमारी प्रैक्टिस होगी, साथ में जब हम उसको दोबारा पढ़ेंगे तो हमें खुद याद रहेगा कि हमें क्या रूल हैं और दूसरे को कैसे बताना है, क्योंकि ये बिजनेस है कि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब तक आप खुद नहीं सीखोगे तो दूसरे को नहीं सिखा सकते। जब हमें हमारे अपलाइन जब मीटिंग लगाते थे, अनाम भैया, संजना दीदी, हम थैंक्स करते हैं इनका, साथ में जब स्टार्ट किया था उस टाइम बख्शी सर हमारी मीटिंग लगाते थे, तो हर एक चीज हमें बोर्ड पे सिखाते थे। तो लिखने से एक तो हमें प्रैक्टिस रहती है, दूसरा याद रहता है, लिखा हुआ भूलता नहीं है। तो मैं ऐसे ही लिखती थी, और जब कई बार मेरी प्लान करने की टर्न आती थी तो बीच में कंफ्यूज हो जाते थे, जब तो भूल जाता था। लेकिन जो जितना शॉर्ट प्लान आपने नोट किया होगा, अगर आप उसको फिर से नजर लगाओगे तो आपको पक्का होता जाएगा, और उसी तरीके आप लोगों को बता सकते हो। तो आज मैं बात करूंगी बेसिक रूल की, हमारे बिजनेस के कुछ रूल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। तो सबसे पहला नंबर मैं बात करूंगी फोर बेसिक, अरे ये नीलम पिलर मौसी हैं। का आवाज कट हो रही है। हाँ, अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, तो बोर्ड क्लियर है? हाँ, बोर्ड क्लियर आ रहा है। तो आज मैं बात करूंगी हमारे के जो फोर पिलर हैं, बेसिक रूल हैं, इन रूल्स को फॉलो, और इसी से हम सभी इसमें। पहला नंबर क्या आता है? लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बनानी है, किस किस की लिस्ट बनानी है? नंबर वन स्टाफ, रंजना, अपने अपना माइक ऑफ कर दो, अपना माइक ऑफ करो। स्टाफ के ऊपर दूसरी लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑफ क्वेश्चन और तीसरी लिस्ट बनानी है लिस्ट ऑफ ड्रीम्स। ये हमारे लिस्ट बिल्डिंग में ये तीन पार्ट आते हैं। सबसे पहले लिस्ट किसकी बनानी है? लिस्ट ऑफ पीपल, लोगों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि ये जो हमारा बिजनेस है लोगों के बीच बात करना करनी है, और वहीं से बिजनेस बड़ा होता है। तो हमारे जो ये आते हैं लिस्ट ऑफ पीपल में, कैसे हमें लोगों की लिस्ट कैसे बनानी है इसके ऊपर बात करूंगी। इसका एक फॉर्मूला आता है, फ्रेंड्स, F R I E N D S। इसी तरीके से आप सभी ने इसको, इस फॉर्मूला को ऐसे अपने की नोटबुक के ऊपर उतारना है, डायरी पे। फ्रेंड्स में क्या आता है हमारा? कुछ हमारे फ्रेंड्स आ गए और फैमिलीज, फ्रेंड सर्कल जो है अपना, जो अपने जो फ्रेंड सर्कल होता है उन लोगों की लिस्ट बनानी है, साथ में फैमिलियों को जोड़ना है। दूसरे नंबर आती है, दूसरे नंबर किसकी लिस्ट बनानी है? रिलेटिव्स, जो हमारे रिश्तेदार आते हैं। तीसरे नंबर इंस्टीट्यूशनल, जो हमारे साथ स्कूल कॉलेज हैं उन लोगों की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय,
ई फॉर इम्प्लॉय, जो आपके साथ जो आप काम कर रहे हो या जो इम्प्लॉय लोगों को जानते हो उनकी लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट है एन, एन का हो गया नेवर्स, जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं उनकी लिस्ट बनानी है। डी फॉर डॉक्टर लोग हो गए, जैसे प्रोफेशनल लोग हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेशनल लोग जो हैं उन लोगों की लिस्ट बनानी है। आप उनको जिस तरीके से आप जानते हो उसी तरीके से आपने उनके नाम लिखने हैं, आगे उनका प्रोफेशन लिख सकते हो। अगर आपको किसी डॉक्टर के साथ इंट्रोडक्शन हुई, आप उससे बात नहीं बात करने का आपको मतलब कि उसके नाम को नहीं जानते, आप सीधा डॉक्टर लिखो और उसका जहाँ का वो है वहाँ का एड्रेस लिख दो, तो आपको याद रहेगा कि मैंने किस बंदे का नाम अपनी डायरी में नोट किया है। लास्ट में है हमारा स्ट्रेंजर। अब मैं इसके ऊपर बात करूंगी, जैसे सबसे पहले आपने फ्रेंड्स की लिस्ट बनाई और कुछ फैमिलीज की लिस्ट बनाई, नंबर वन। दूसरे अपने रिश्तेदारों की लिस्ट बनानी है, किसी को बात नहीं करना है कि ये करेगा ये नहीं करेगा, क्योंकि वो बात करना हमारा काम नहीं है। हमने अपना जो हमें हमारी अपलाइन है जैसे मुझे सिखाया था, अब हम काम करें, बाकी सामने वाले के दिमाग में क्या पड़ रहा है हमारे बीच और उसके बीच का जो फैसला है, उसके बीच भगवान खड़े हैं, वो डिसीजन क्या उनके दिमाग में क्या डाल रहे हैं वो उनका फैसला होगा। तो आपको आपने ये नहीं देखना है कि ये अमीर है ये गरीब है, ये कर सकता है ये नहीं कर सकता है, ये पढ़ा लिखा है जो अनपढ़ा है, आपने इन चीजों को नहीं बात करना है। आपने छोटे से छोटे बंदे का भी नाम लिखना है डायरी में और बड़े से बड़े का भी लिखना है। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नहीं हमने डायरी में नाम क्यों नोट करने है, लिस्ट क्यों बनानी है, हमें तो जुबानी नाम याद है जो हमारे मोबाइल में है। तो ऐसा नहीं फ्रेंड्स, ये बिजनेस एक सच्चाई सफाई और ईमानदारी का बिजनेस है और प्रैक्टिकली करने का है। आज जो लोग डायमंड क्राउन गए हैं तो उन्होंने भी ऐसे इस काम को किया है और उन्होंने ही इन रूल को आगे लोगों में मतलब बताया है कि अगर आपने बिजनेस को बड़ा करना है तो आपने भी ऐसे प्रैक्टिकली काम करके रूल को आगे फॉलो करके चलना है। तो ये आ गया मेरा लिस्ट ऑफ पीपल, जो लोगों की लिस्ट बनानी है नंबर वन। दूसरा नंबर इसमें आता है, जैसे दूसरा था इसमें क्वेश्चन की लिस्ट जैसे बोली थी मैंने, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या होते हैं लोगों के से जब आप बात करोगे, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, लोग तो ये कहते हैं कि प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, तो इस सिस्टम में अगर आप रहे होंगे तो प्रोडक्ट हमें कैसे सस्ते पड़ते हैं वो आप जहाँ से सीखोगे। वो कैसे सीखोगे, जब आप रेगुलरली मीटिंग अटेंड करोगे और जैसे जैसे यहाँ बोर्ड पे जो सीनियर कोई भी लीडर जहाँ से प्रेजेंटेशन देता है या टीचिंग मीटिंग लगी या वो सिखा रहे हैं, वो पॉइंट नोट करने हैं, ठीक है। और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट की बात करेंगे। और उसके साथ दूसरा आता है कि हम तो ज्वाइन कर लेंगे लेकिन लोग नहीं मानते हैं, हम तो यूज कर लेते हैं लेकिन लोग नहीं मानेंगे। तो अगर उनके पास आप जो बंदा सिस्टम में है तो उसके साथ आपने बात क्या करनी है, उनको बोलना है पहले आप खुद यूज करो, जब आपका दिल मानेगा तो लोग ऑटोमेटिक मानेंगे। तो आप सभी लोग ये जानते हैं कि कोई भी ठीक काम जब हम करते हैं उसके लिए बंदे को पहले अपने दिल होता है, जब हमारी अपनी आत्मा मान जाएगी ना तो लोग ऑटोमेटिक मानेंगे। पहले दो क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में चलते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। नेगेटिव बोलता है कि हम नहीं कर सकते हैं, पॉजिटिव बोलता है हम कर सकते हैं। लेकिन 100 में से 80% जो बाहरी रहता है हमारे ऊपर वो नेगेटिविटी रहती है, 20% पॉजिटिविटी रहती है, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ नेगेटिव माहौल होता है ज़्यादा। तो उसके लिए हमें जो 20% हमारे पास पॉजिटिविटी है तो हमने क्या करना है, इस एजुकेशन सिस्टम में रह के तो उसको पॉजिटिविटी को बढ़ाते चलना है आगे, ठीक है ना। एक टाइम आएगा नेगेटिविटी कम हो जाएगी जब आप जहाँ से सब कुछ सीख लोगे और उस टाइम आपकी पॉजिटिविटी इतनी बड़ी हो जाएगी कि नेगेटिविटी का कोई असर नहीं होने वाला है। तो इसलिए जब आप सीखोगे, आपके सारे क्वेश्चनों का हल जब आपका दिल आपको देना शुरू कर देगा ना, जब आपका दिल बोलेगा कि ये क्वेश्चन मुझे आ रहा है तो इसका सोल्यूशन ऐसे ढूंढना है, तो आपके लिए बिजनेस करना मुश्किल नहीं होगा।
आगे मैंने बात की ड्रीम्स की, लिस्ट ऑफ ड्रीम्स, अपने सपनों की लिस्ट बनानी है, अपने ड्रीम्स लिखने हैं घर में, एनी फाइव ड्रीम्स, कोई पांच सपने लिख के लगाओ अपने घर में। आप जो चाहते हो, जो बंदा नया स्टार्ट है, जो 3% पे है, अरे अपने चेक के हिसाब से आप 2000 के, 1500 2000 के बीच आप क्या लेने वाले हो इस बिजनेस के थ्रू, वो लिखो। पांच सपने ऐसे लिखो, आप जैसे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हो, आप अपनी जो आपका सोर्स ऑफ इनकम महीने का बनता है, तो उसके बीच से आप क्या लेने वाले हो इस बिजनेस के थ्रू। ऐसे तो घर चलाने के लिए जो जो काम जो बंदा कर रहा है, रोटी रोजी जो हम कमा रहे हैं, उससे हमारा घर चल रहा है। लेकिन अगर कोई बड़ा सपना है, तो आपने इस बिजनेस में रखना है कि हमने यहाँ से पूरा करना है। तो पांच अपने स्ट्रांग ड्रीम लिखने हैं जो आपको चाहिए, आप चीज लेना तो चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो, डिले कर रहे हो, इस महीने नहीं अगले महीने, इस महीने नहीं अगले महीने। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगला महीना कभी आता ही नहीं है। जब भी आएगा उसी महीने आपकी जरूरतें बड़ी होंगी, हर महीने जरूरतें बढ़ेंगी। तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट। हो दूसरा है इसमें, जब आपने लिस्ट बना ली, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट, जब आपने लिस्ट बना ली लोगों से, लोगों की लिस्ट है, फिर आपने क्या करना है, उनके साथ बातचीत करना शुरू करनी है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट करना सीखना है, कैसे करना है। तो इसमें एक फार्मूला आता है FORM, फॉरम। तो कैसे, FORM, इसमें क्या आता है, सबसे पहले जब आप किसी से बात करते हो, अब आपने किसी को कॉल करनी है तो कैसे बात करनी है, सबसे पहले आपने उनकी फैमिली के बारे में पूछना है। फैमिली, जब किसी से कॉल पे बात करोगे तो आप ऐसे पूछते हो जैसे फ्रेंड किसी सहेली को कर रहे हो, हाँ जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, हाँ श्वेता कैसी हो, बहुत बढ़िया, आपकी फैमिली कैसी, बच्चे कैसे हैं, या अगर मेरी फ्रेंड है तो मैं जीजू बोलूंगी, जीजू जी कैसे हैं। तो पहले मैंने क्या किया, उनकी फैमिली के बारे में जाना। दूसरा नंबर मैंने क्या पूछना है, उनको ऑक्यूपेशन, उनके कारोबार के बारे में ऑक्यूपेशन। फिर मैं उसको पूछूंगी, और आज क्या काम कर रहे हो जीजू की, नौकरी कैसी चल रही है, या बिजनेस कैसा चल रहा है, कैसा काम कर, कारोबार कैसा है। तो बहुत कम लोग बोलते हैं अच्छा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे ही है, टेंशन ही है। मतलब जैसे अब पीछे टाइम रहा लॉकडाउन का, तो मैक्सिमम बिजनेसमैन तो बहुत मतलब नीचे गिर गए, तो वो क्या वो बोलेंगे कि हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया चला, नहीं बोलेंगे। ऐसे ही जॉब क्लास होंगे, जो बेचारा सुबह निकलता है शाम को आता है, या जो लोग वेल्थ फोर्स के हैं, छः छः महीने, आठ आठ महीने, दस दस महीने के बाद जब घर आते हैं, क्या वो खुश होकर जॉब कर रहे हैं, नहीं, मजबूरी से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे हैं, बीबी है, माँ बाप हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बंदे के ऊपर जब है, तो वो मजबूरी से कर रहा है क्योंकि घर चलाना है। तो जब उनके आप ऐसे उनके साथ उनके कारोबार के बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरे नंबर इसमें है रिक्रिएशन। जब उसने अपने मतलब उसके बारे में बताया कि हमारा ऐसा कारोबार चल रहा है, ऐसे ही है, डामा डोल है, तो उसके बाद उसके बीच में आप बात कर सकते हो, कुछ हंसी मजाक की बात कर सकते हो। तो जब आप बाकी और एंजॉय की बातें जो करनी है उसके बीच कर सकते हो। लास्ट में जो हमारा वर्ड आता है, मैसेज देना है आपने, एम, उनका बिजनेस के बारे में जब बात करनी है तो आपका 30 सेकंड का मैसेज होना चाहिए, इससे ज्यादा बात नहीं करनी है। इसके बीच रिक्रिएशन जो हो रही है, इसके बीच आप चाहे उनके साथ 5-7 मिनट बात कर लो, लेकिन जब लास्ट मैसेज देना है आपने, तो उसके बीच आपने क्या करना है, 30 सेकंड का मैसेज देना है, बोलना, और आप कल घर में हो, मैं आपके घर आ रही हूँ, आपके साथ मैं एक अच्छी, मैंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखी है, उसके बारे में आपके साथ शेयर करने आऊंगी। इस तरीके भी बात कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपको डाउट लगता है कि कोई हमारी बात मानने या ना मानने, तो आप बहुत सिंपल तरीके से बोलते हो, हाँ सहेली को किसी को बोल के, हाँ सुनीता जी मैं कल आपके घर आ रही हूँ,
कलाब घर में हो, वो पूछेगी क्यों आ रहे हो, तो आप बोल सकते हो क्यों मैं आपके घर चाय पीने नहीं आ सकती हूँ, आएंगे चाय पियेंगे बातचीत करेंगे आपस में, तो वो मना नहीं करेंगे। इस तरीके से 30 सेकंड का मैसेज देके आपने फोन बंद कर देना है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के वही बात मैंने पहले बोल ली कि नेगेटिव थॉट आ जाते हैं, तो आपने 30 सेकंड का मैसेज देना है इसमें। ठीक, ये हो गई कॉन्टेक्ट एंड इन्वाइट की बात। तीसरा नंबर इसने है, जब वो आप उनके घर जाते हो, आपने बात कही थी, आपने क्या करना है, सबसे पहले नंबर डेमो दिखाने, प्लान दिखाया, चेक एंड कैश करना है। सबसे पहले नंबर आप उनके घर गए, बातचीत हुई, फिर उसने आपने बोलना है कि हाँ मैं आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आई हूँ, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मुझे लगता है मैं और आप मिलकर इस काम को करेंगे तो बहुत बढ़िया कर सकते हैं, तो उनको प्रोडक्ट की डेमोस्ट्रेशन दिखाओ। दूसरा नंबर, जब डेमो दिखाए, डेमो देख के हर एक बंदा एक्साइटेड होता है, प्रोडक्ट बढ़िया, आप इसमें पैसा भी बना सकते हो, क्या वो देखना चाहते हो किस तरीके से पैसा बनता है, जब वो बोलते हैं हाँ देखना चाहते हो, उनको पैसे के लिए बता सकते हो। साथ में जब डेमो प्लान आप अपना कर लेते हो, उसके बाद उसका साथ में उसका ऑर्डर बनाना है, ऑर्डर बनाते हो जब उसमें चेक कैश करना सीखना है। लास्ट में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेमो भी कर देते हैं, प्लान भी कर देते हैं, लेकिन जब ऑर्डर बनता है, पैसे लेने की बारी आती है, तो वहां पर जो सामने वाले लोग होते हैं वो बीच में ऐसे बोल बोल बातें घुमाना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो उसी टाइम वॉलंटियर होके ऑर्डर दे देते हैं कि हमें प्रोडक्ट की जरूरत है, हमें चाहिए, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, हम आपको सोच के बताएंगे, तो कुछ कहते हैं मतलब के हाँ हम आपको कल बता देंगे, तो वो उस टाइम आपके बीच ये कला होनी चाहिए, आपने कहना है कि सोचना क्या है, जो आपने आपस में क्या डिस्कस करनी है, जो डिस्कस करनी है मेरे साथ के लिए, क्यों, क्योंकि ये इस प्रेजेंटेशन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जितना मैं इसके बारे में आपको बता सकती हूँ इतना आप किसी से नहीं सीख सकते हो। तो उसी टाइम जब आपने डेमो प्लान किए, ऑर्डर बनाया, उनको सीधा पूछना है इतने पैसे बने आप चेक दोगे कैश दोगे, तो अगर कोई बोलता है कि हम कैश दे देंगे तो उसी टाइम कैश पकड़ लो, चेक बोलेंगे तो बोलो चेक दे दो। अगर हो सकता है आपका 10,000 का ऑर्डर बना, लेकिन कोई बंदा इतने पैसे नहीं दे सकता इकट्ठे, उसके पास उस टाइम नहीं है, तो उनको बोलो कि आप 5,000 पेमेंट कर दो, कम से कम आधे कर दो, बाकी जब हमारा प्रोडक्ट आता है तो उस टाइम हम बाकी पेमेंट ले लेते हैं। लेकिन कोशिश करनी, आज सब कुछ डिजिटल है, कोशिश करनी कि जहाँ तो आप ट्रांसफर करा सकते हो अपने अकाउंट में, जहाँ तो आप कैश ले सकते हो। अगर फिर भी अगर किसी की मजबूरी के कारण नहीं है तो उसके उससे तब भी कुछ ना कुछ लेके उठना है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ डेमो प्लान किए, आपने अपना 1 घंटा टाइम वेस्ट किया, आपने जो डेमो किए, अपनी न्यूट्रलाइट डेली वेस्ट की, नेचुरल सील लगाई आपने, डेमो किया, पेस्ट का किया, डिस्ट्रॉप का किया, आपने अपना प्रोडक्ट यूज किया, वहां से खाली नहीं उठना है। एक लीडर की पहचान यही है, जहां डेमो करेगा वहां कुछ ऑर्डर लेके उठना, चाहे जितना मर्जी मतलब के कंजूस बंदा क्यों ना हो, तो भी साबुन पेस्ट तो उसके घर देके आओ, डिस्ट्रॉप तो उसके घर देके आओ, कम से कम जो आपने अपने प्रोडक्ट जो डेमो किए हैं, प्रोडक्ट वेस्ट किया, कम से कम उतना सा बेनिफिट तो वहां से लेके आओ। ठीक है ना, तो ये अपने अंदर कला लानी है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है हमारा फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम डेमो प्लान करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हम सोच के बताएंगे। जो लोग बोलते हैं हम सोच के बताएंगे, तो एक का काम आपने बहुत जरूर करना है, 48 hours 48 घंटे के अंदर अंदर उसको बैक कॉल जरूर करनी है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बंदे को 2 दिन याद रहेगा, उसके बाद नहीं रहता है। आपने 48 घंटे के अंदर अंदर कॉल करनी है, हाँ आपने, हमने कल आपको डेमोस्ट्रेशन बताई थी, आपने क्या डिसीजन बनाया, तो उसका फॉलो अप करने से अगर बंदे ने ज्वाइन करना होगा उसने यस कर देनी है,
अगर नहीं ज्वाइन करेगा हो सकता है कुछ प्रोडक्ट की डिमांड कर दे, लेकिन अगर आपने उसको कॉल ही नहीं की तो वो आपको कैसे बताएगा। क्योंकि ये अगर आप एक बिजनेस वूमेन हो, सभी अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इसमें आपने अपने बीच ये बात करने की स्किल डेवलप करनी है। फोन करते टाइम पहले दिल में ये नेगेटिव सिग्नल नहीं देना है कि मैं उसको करूं या ना करूं, पता नहीं आगे से क्या बोल दे, ये कभी नहीं सोचना है। आप किसी को अच्छा देने गए हो, किसी से लेने नहीं गए हो। साथ में दूसरा नंबर क्या रहता है, जैसे कुछ जैसे किसी ने ऑर्डर डालना, प्रोडक्ट यूज कर रहा है बंदा, तो उसको फिर बार बार फोन करते रहना है, हफ्ते के बीच 15 दिन के बीच उसको कॉल करते रहना है, हाँ आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, आपको कैसे लग रही हैं, कैसा रिजल्ट आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों को तो बहुत बढ़िया लग रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को आगे पीछे से जब उसको वो 1-2 दिन यूज करेंगे तो प्रोडक्ट बंद करके रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, उनको आप कॉल करोगे तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, अगर जब प्रॉब्लम बताएंगे तो आप उसको उनका सलूशन दोगे, जब सलूशन दोगे तो वो क्या होगा, प्रोडक्ट यूज करेगा, रिजल्ट बढ़िया आएंगे और वो फिर से ऑर्डर डालेगा। ये स्किल है बिजनेस को बनाने की, ठीक है। साथ में जिसको कोई आपका कस्टमर जैसे पेस्ट्री को यूज करता है उसका भी फॉलो अप करना, वो एक बार लेगा उसने दोबारा भी लेना है। लेकिन कई बार होते हैं हम भूल जाते हैं, कई बार हम टेम्परेरी ऑर्डर निकालते हैं, 5,000 का, 4,000 का, 10,000 का किसी ने डाला तो उस टाइम टेम्परेरी ऑर्डर लिया, फिर हो सकता है 1-2 महीना उसको फोन ही ना करो। तो ऐसा नहीं करना है, अगर अपने बिजनेस को अच्छा बनाना है, मतलब आपने बढ़िया बनाना है, अपने जैसे डुप्लीकेट टीम में तैयार करनी है, तो उनका फॉलो अप जरूर करना, उनको बात उनसे डेली करना, फोन पे बातचीत करते रहना है, ठीक है ना। उससे विश्वास बनता है, हम सभी के बीच, नए लोगों के बीच भी विश्वास बनेगा और अपनी टीम भी बिल्ड होगी। तो ये थे मेरे 4 बेसिक इन रूल्स को, इसके बारे में बहुत बोल सकती हूँ लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं शॉर्ट बता रही हूँ। तो आगे हमारा है 9-4 steps। हमें अपने बिजनेस में कोर बनना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम खुद कोर नहीं बनेंगे तब तक हम किसी को नहीं बना सकते। 9-4 steps में क्या आता है, सबसे पहले 100% यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करने हैं। ये नहीं है कि पेस्ट अगर जहां से ले ली तो साबुन मार्केट से आ गया, ठीक है ना, डिश सॉप जहां से लिया तो कपड़े धोने वाला पाउडर मार्केट से आ गया, वो काम नहीं करना है। ये बिजनेस मैंने आपको पहले ही बोला, जो सच्चाई सफाई और ईमानदारी का काम है, जो लोग 100% प्रोडक्ट अपने घर में यूज करते हैं उनका बिजनेस अपने आप से ईमानदारी कर रहे हैं और वही ईमानदारी लोगों के साथ आगे बता रही हूँ। तो जो अपना प्रोडक्ट आता है वो खुद यूज करना है। कुछ लोगों का यह आता है कि चलो साबुन पेस्ट डिश सॉप वगैरह छोटी छोटी चीजें खुद यूज कर ली और लोगों को न्यूट्रलाइट प्रमोट करना शुरू कर दिया, अरे रिजल्ट नहीं आएंगे। जब तक आप अपना न्यूट्रलाइट खुद नहीं खाओगे, अगर आयरन की जो लेडीज को जो डेफिशिएंसी रहती है आयरन कैल्शियम की, लेडीज खुद नहीं खाएंगी और लोगों को बताने चली जाएंगी तो क्या बताएंगी। जब जो चीज बंदा खुद यूज करता है ना, जब दूसरे को बताता है तो उसका फेस इंप्रेशन ही अलग होता है और दिल से वो बताता है और वो सच्चाई उसके चेहरे पे आती है। लेकिन जब जिसने खुद यूज नहीं की है और दूसरे को बता रहा है तो अंदर उसका दिल कांप रहा है, जब दिल कांपता है तो वो इम्प्रेशन पूरा फेस पे आता है, वहीं से पता लग जाता है कि ये खाली मेरे को इस झंझट में फंसा रहा है और खुद तो ये यूज नहीं करता है। तो वो धोखा नहीं करना है, वो हम किसी के साथ धोखा नहीं कर रहे हैं, अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक हीरा हमारे हाथ में लगा है और हम लोगों से अगर हम हेर फेर की बातें करेंगे तो नहीं चलेगा। सबसे पहले अपने वॉशरूम से लेके किचन बेडरूम तक अपने प्रोडक्ट यूज करने हैं, पेस्ट साबुन सफाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन के लिए, बच्चों का न्यूट्रलाइट, बड़ों के सप्लीमेंट,
खुद यूज करो और कुछ जो अपने हैं उनको यूज करवाओ। सेकंड इसमें क्या आता है हमारा, शेयर द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। एंड कस्टमर हमारे कितने होने चाहिए, 10 to 15 कस्टमर होने चाहिए। जब आपने प्रोडक्ट खुद यूज किए आपको अच्छे लगे तो आपने लोगों से बात करना शुरू कर दी, तो आपने क्या किया प्रोडक्ट शेयर करना शुरू कर दिए लोगों के साथ। और उसमें क्या होगा, जब आप बात कर रहे हो उसमें आपके कस्टमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, कुछ लोग ज्वाइन हो जाते हैं लेकिन कुछ कस्टमर बन जाते हैं। चाहिए अगर आपके 10 से 15 कस्टमर हैं तो इसमें क्या होता है, जो भी 1 महीने प्रोडक्ट लेगा, 3-4 महीने 5 महीने प्रोडक्ट खत्म नहीं होता है, इसलिए ऐसे कस्टमर बनाने हैं जो 1,000, 2,000, 3,000 ऑर्डर आपसे ले रहे हैं। पर्सनल पीवी जो आपकी होगी आपके कस्टमर से बनती जाएगी। ठीक, उसके साथ तीसरे नंबर पे हमारा आता है डेमो प्लान एंड कैश। जब आप किसी से प्रोडक्ट किसी को देते हो तो नेक्स्ट आप उनको प्रोडक्ट बढ़िया लगते हैं, जब आप उनके घर जाके उनको डेमो प्लान बताओ और उनको बताओ कि इनको यूज करके, आप मार्केट की चीजें तो ऐसे भी यूज कर रहे हो लेकिन क्या आपके घर में पैसे आ रहे हैं। आपके बीच अगर नॉलेज होगी आपने सामने वाले को क्वेश्चन करना है कि आज जो साबुन पेस्ट या जो आप मार्केट का प्रोडक्ट घर में ला रहे हो क्या वहां से आपके घर पैसे आते हैं, तो सामने वाले का जवाब होगा नहीं। अगर ना में जवाब होगा तो आपने बोलना है कि हम इन प्रोडक्ट को यूज करके हम एक अच्छी इनकम बना सकते हैं जिससे हमारे बच्चों की फ्यूचर की सिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है, हम फॉरेन के टूर ले सकते हैं, हम मतलब अच्छी लाइफ ले सकते हैं, टाइम फ्रीडम मिल सकती है, बहुत सारे रिवार्ड हैं जो यहाँ से हम ले सकते हैं। तो इसलिए आप यहाँ से प्रोडक्ट भी यूज करो और इसको आगे सीख के काम भी करते हैं मिलके। और चेक कैश करना है, वही मैंने पहले ही बताया डेमो प्लान चेक एंड कैश, खुद भी सीखना है और जो आपके साथ जो लोग ज्वाइन होंगे उनको भी सिखाना है। इसके बिना ये इतना ही सिलेबस है, ये 4 बेसिक हो गए, 9 कोर स्टेप हो गए, 3 पावर 3 कार्डिनल रूल्स हमारे बिजनेस का यही सिलेबस है, ये कहीं चेंज होने वाला नहीं है। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी अगर आगे काम करना है। ठीक, तो इन तीनों चीजों को करने से क्या बिल्ड होता है हमारे बीच, पॉइंट वॉल्यूम। ठीक है, बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करते हैं हम। जैसे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ती जाएगी तो बिजनेस और बड़ा होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे बीच इसमें आते हैं चौथा स्टेप है रीड द बुक्स। बुक पढ़नी है कम से कम 10 से 15 मिनट डेली। नेक्स्ट है सीडी प्लस वीडियो सीडी। उन सीडी और वीडियो सीडी उन लोगों की सुननी है जो लोग इस बिजनेस में कामयाब हैं, जो महीने का 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए जो बना रहे हैं, जब क्रोन जैसे हमारे डॉक्टर ब्याजी क्रोन है, 8 करोड़ों में उनकी इनकम है महीने की, तो उन्होंने भी इस सिस्टम को ऐसे ही फॉलो किया, उन्होंने कामयाब लोगों की सीडी सुनी, वीडियो सीडीज देखी और उन्होंने अपने राज बताया कि हम इस तरीके से आगे बढ़ते गए, कामयाब हुए हैं, करोड़पति बने हैं, आप भी बन सकते हो। तो उन आगे कम से कम भी 30 मिनट जरूर सुनिए, 30 मिनट की सीरीज। लेडीज लोग खाना बनाते भी सुन सकते हैं, रेस्ट कर रहे होंगे तब भी सुन सकते हैं, गाड़ी में बैठे हैं जा क्लास हैं तब भी सुन सकते हैं, इसमें हर बंदा इसको सुन सकता है। क्योंकि जब कोई भी काम करने की जब अंदर कला डेवलप हो जाती है ना तो वो लोग एक्सक्यूज नहीं देते, एक्सक्यूज वो लोग देते हैं जो आलसी होते हैं, अपने काम के प्रति काम चोर होते हैं, वो लोग एक्सक्यूज देते हैं। तो फ्रेंड्स एक्सक्यूज जो देगा वो अपनी आप को देगा, ना अपनी अपलाइन को देने ना डाउनलाइन को देने। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर में 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने की इनकम आए 2-3 साल के बीच,
तो ये आपको पहले खुद करना पड़ेगा, जैसे आप करोगे वैसे आपकी टीम करेगी। तो बुक्स की बात की थी, तो किताबें जो हमारी आती हैं अच्छी सोच की किताबें आती हैं, हमारे माइंड को पॉजिटिव बनाने वाली किताबें आती हैं, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक्स पढ़नी है। ज्यादा नहीं पढ़ो, कम से कम सोते टाइम 10 से 15 मिनट एक दो पेज पढ़ लो। एक हैबिट जब बन जाती है तो ऑटोमेटिक टाइम भी निकल जाता है और एक नशा सा बन जाता है उसको पढ़ने का। आगे इसमें है नेक्स्ट क्लास सेमिनार और मीटिंग लगती है इस टाइम, तो ये एक हमारी क्लास लगती है सीखने के लिए, आपने इसमें सीखना है इसको। नेक्स्ट सेमिनार होता है हमारा 3 महीने के बाद 3 घंटे का, उसको भी जरूर सुनना है। वहाँ अच्छे जो डायमंड लोग होते हैं उस सेमिनार में होते हैं। फंक्शन है जहाँ जहाँ आपको बहुत बहुत महान हस्तियाँ मिलेंगी फंक्शन में, ये 6 महीने के बाद एक बार होता है, तो इसको अटेंड जरूर करना है। क्यों? क्योंकि जब जितना सीखेंगे उतना सिखा पाएंगे। यहाँ से हमारा क्या एक नॉलेज बिल्ड होता है, इन चीजों को जब हम सीखेंगे जहाँ हमारी नॉलेज बनती है। अगर नॉलेज नहीं है तो हमारे काम मुश्किल लगेगा, जब नॉलेज अंदर बिल्ड हो जाएगी तो सब कुछ आसान लगेगा। बुक्स हमें सब कुछ सिखाती है, लोगों से बात करना भी सिखाती है, सोच को भी बढ़िया बनाती है, आगे बढ़ने की हमें हिम्मत देती है। सीडी सुनेंगे हम सक्सेसफुल लोगों की, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो वैसी प्रॉब्लम भी हमारी हमारे साथ आ रही होंगी, तो उसका भी हमें सलूशन मिलता है। और क्लास डेली अटेंड करने से ये हमारे अंदर और स्किल डेवलप करता है। हमने डेमो प्लांट है प्रेसर सीखते हैं, बेसिक रूल सीखते हैं, क्लास में से जो टीचिंग मिलती है यही टीचिंग आगे बढ़ाती है। तो इन चीजों को करने से हमें नॉलेज मिलती है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है। क्योंकि नॉलेज तो ऐसे बहुत सारे लोगों के पास डिग्री है, नॉलेज तो है, लेकिन वो नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई करना है वो लोगों के पास वो रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर जब हमें ये तीनों काम करके जो नॉलेज मिलती है तो इसको हमें अप्लाई करने का भी हमारे पास रास्ता है, उसको अप्लाई करके हमें एक अच्छी इनकम तैयार कर सकते हैं, बढ़िया सीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बी टेबल। सीखने के लिए तैयार रहना है, बी अकाउंटेबल। अकाउंटेबल नेक्स्ट है बी कम्युनिकेट विद ग्रोइंग अपलाइन। मैंने इधर जहां लिखा भी टीचेबल, सीखने के लिए रेडी रहना है। जब भी मीटिंग लगती है किसी लीडर को ये कहने की जरूरत नहीं पड़े, फोन करने की जरूरत नहीं पड़े कि आज मीटिंग है, वॉलंटियर रहना है। कामयाबी तभी मिलती है जब बंदा हर काम में वॉलंटियर होकर काम करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने अपने काम के लिए। तो जहाँ कोई मीटिंग लगती है, कोई ट्रेनिंग होती है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल जाती है, मैक्सिमम ट्रेनिंग चल जाती है, तो वहाँ प्रोडक्ट की नॉलेज मिलती है। अपलाइन फोन कर रही है या नहीं कर रही है, आपके पास जैसे लिंक पहुँचता है याद रखो उसी टाइम में ज्वाइन कर लो, सीखो, अपने लिए सीखना है। क्योंकि अगर मैंने किसी को न्यूट्रा डेली के बारे में मैंने बताना होगा कि ये बहुत बढ़िया है, तो उस टाइम जो मैंने सीखा होगा मैं वही बता सकती हूँ। वहाँ मैं अपलाइन को फोन करके नहीं बोलूंगी कि मेरे घर में गेस्ट आया आप इनको बताओ न्यूट्रा डेली के क्या बेनिफिट हैं, वो हमने खुद सीखना है। ऐसे भी अकाउंटेबल, अकाउंटेबल में बहुत खुश आता है, किसी के साथ पैसे के प्रति अकाउंटेबल रहना है। आप कहीं आपने किसी को प्लान का टाइम दिया है, टाइम के प्रति अकाउंटेबल रहना है, क्योंकि वहां पर टाइम के पहुंचना है। अगर आपने जैसे अपलाइन आपके साथ जा रही है प्लान करने, अपलाइन ने बोल दिया है कि चलो मैं आपके साथ चलती हूँ, लेकिन आपने ठीक 11 बजे वहां पहुंच जाना है। जब किसी को आपने बोला है 11 बजे हम आपके घर पहुंच जाएंगे, लेकिन 11 की बजाय आपके 15 मिनट ऊपर हो सकते हैं, 11 के बजाय 12 बजे नहीं पहुंचना उनके घर। क्यों? क्योंकि उससे अगले का टाइम भी लिमिटेड होता है, उसने भी अपना उसी टाइम का शेड्यूल बनाया होता है कि मैं इतना टाइम बैठ सकूंगी, बाकी अपना काम करूंगी। तो टाइम के प्रति अकाउंटेबल रहना है। जवान के प्रति, जो किसी को आपने बोल दिया कि मैं इतने टाइम पहुंचूंगी और इतना टाइम बैठूंगी, तो उसी तरीके आपने उसी हिसाब से
आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटे का जैसे टाइम दिया है, तो उसी टाइम के बीच आपने पूरा डेमो प्लान करके 5 मिनट पहले वहां से उठ के चले जाना है। किसी को ये नहीं लगे कि ये आया अब उठ नहीं रहा है, उसके सोचने से पहले 5 मिनट वहां से किट लेके चले जाना है। तो साथ में किसी जैसे लेडीज हो गई जेंट्स हो गए सबके लिए जो रूल रहता है अकाउंटेबिलिटी एक और आती है, क्योंकि हम किसी के घर जा रहे हैं, किसी जैसे लेडीज हैं किसी के घर जा रही हैं, तो आगे जब वो सामने हस्बैंड वाइफ दोनों बैठे होंगे तो लेडीज को आपने एक बहन के रूप में और जेंट्स को भाई के रूप में देखना है। वो चाहे बहुत सुंदर है, वो चाहे बहुत पैसे वाला है, आपके बीच इतनी पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, इतना पवित्र आपका माइंड होना चाहिए कि उसके घर जाके आपके दिन में जरा सी भी नेगेटिव सोच नहीं आनी चाहिए कि आप किसी नेगेटिव तरीके से सोचो उनके बारे में। आपको जब बिजनेस है ही भाई और बहन के रिलेशन में है, अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको माँ बाप के रिलेशन में लेके चल सकते हैं हम। एक ऐसे ही जेंट्स के लिए है, जेंट्स को भी अपनी भाई बहन के रूप में इस बिजनेस को आगे बिल्ड करना है, क्योंकि इतना अच्छा बिजनेस हम यूनाइटेड होके इसको बिल्ड करते हैं। कैसे करते हैं, हमें जहाँ भी प्लान करने जाना होगा, कई बार मैं जहाँ से हम रियासी भी जाते थे, मैं जाती थी अपनी टीम के साथ 8-8 दिन भी वहां रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये इतना साफ सुथरा बिजनेस है, मुझे पता है मैं जहाँ भी जाऊंगी अपने भाइयों के साथ जा रही हूँ, जहाँ भी जाऊंगी सेफ रहूंगी, और हस्बैंड जो होंगे हमारे उनको भी पता है क्योंकि वो ब्रिट के स्टूडेंट हैं, उनको भी पता है कि जहाँ भी हमारी वाइफ गई है वो सेफ है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है बहुत ही साफ सुथरा है, अच्छी सोच का है। ब्रिट में जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं इस सिस्टम में टिकते ही नहीं है, ठीक है। तो साथ में इसके लिए आपको हर बात में अकाउंटेबिलिटी आती है, हर बात में अपनी आपको जहाँ भी कोई कमी रह रही है हमें प्रैक्ट करना चाहिए। जब तक हम खुद को प्रैक्ट नहीं करेंगे हम दूसरे को नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा बी कम्युनिटी विद ग्रोइंग अपलाइन। तो हमने क्या करना है, जो हमारी ग्रोइंग अपलाइन है कम्युनिकेट विद ग्रोइंग अपलाइन, जो ग्रोइंग अपलाइन है जो बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ अपने टाइट रिलेशन रखने हैं। आप प्लान करने जा रहे हो किसी फर्ज किया किसी गेस्ट ऑफिसर के घर प्लान करने जा रहे हो, तो आपके दिल में छोटे मोटे क्वेश्चन आ रहे हैं कि वो इतना गेस्टेड है मैं उसके साथ जाऊंगी कैसे बात करूंगी, उसके पास जाके अगर उसने मुझे आगे से कोई क्वेश्चन कर दिया तो फ्रेंड्स मुझे आज भी हनाम भैया संजना दी की बातें याद आती हैं, उन्होंने एक ही बात सिखाई है, उन्होंने क्वेश्चन आए तो आपने सीधा ब्रिटिश सिस्टम को याद करना है VWW, ये जो हमारा सिस्टम है इसको याद करना कि जो ब्रिट की एजुकेशन आपके अंदर है वो उनके अंदर नहीं है, वो चाहे डॉक्टर है चाहे वकील है चाहे जज है चाहे कुछ किसी भी प्रोफेशन का है, उसको अपनी डिग्री की नॉलेज है, उसको ब्रिट एजुकेशन की नॉलेज नहीं है। तो इसलिए आपने हमेशा अपनी आप को अपनी सेल्फ इमेज को हाई लेके चलना है। आज मैं एक हाउस वाइफ हूँ लेकिन आप मुझे आप जिसके मर्जी सामने बिठा दो मैं प्लान करने के लिए नहीं जीतती हूँ। अगर सामने वाला क्वेश्चन ही करता है ना तो उनको पहले नंबर तो सिंपल तरीके से बोलो कि भैया पहले जो मैं आपको बता रही हूँ आप इसको पूरा देख लो, इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आते हैं आप मुझे पूछ सकते हो, बीच में नहीं टोकोगे आप। नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या आता है कि अगर वो हाईली प्रोफाइल आपको लगता है क्वालिफाइड है आप हमारे से वो बड़ा पढ़ा लिखा है तो आपने एक ही बात बोलनी है कि भैया मैं आपकी पढ़ाई की आपकी क्वालिफिकेशन की रिस्पेक्ट करती हूँ, आप अच्छे हायर क्वालिफाइड हैं लेकिन जो एजुकेशन ब्रिट की मेरे अंदर है वो आपके बीच में है, आप अपने प्रोफेशन में हायर क्वालिफाइड हो लेकिन मैं अपने प्रोफेशन में हाई क्वालिफाइड हूँ, जो ब्रिट की नॉलेज मैं रखती हूँ जो आप नहीं रखते, जो आप रखते हो वो मैं नहीं रखती, इसलिए जो बात करने में आज आपके पास आई हूँ मैं अपनी बात आपके सामने पहले रखूंगी, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा आप मेरे साथ क्वारीज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपने डेमो प्लान पूरे चेक तरीके से आपको बताया होगा ना उनको, अगर आपने तो प्लान में पूरे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, जो भी अगले के माइंड में आते हैं सब क्लियर हो जाते हैं। लास्ट में बहुत सारे लोग होते हैं उनके क्वेश्चन ही नहीं बचते हैं, लेकिन ध्यान एक रखना जो बीच में क्वेश्चन करते हैं उनको वहां पर ये जरूर बोलना कि आप अपने क्वेश्चन डायरी पे नोट करके रखिए
जब मेरा प्लान खत्म होगा उसके बाद आप मुझे पूछ सकते हो। तो अब मेरा टाइम शायद मैंने ज्यादा ले लिया है, तो बहुत बढ़िया आज का जो मेरी प्रेजेंटेशन थी, तो बहुत बढ़िया लगा आप सबके बीच, मुझे मौका मिला आज